मुंबई के दहिसर विधानसभा क्षेत्र 153 से अपक्ष उम्मीदवार ममता शर्मा ने अपना प्रचार शुरू करते हुए दहिसर पूर्व में अपना जनसंपर्क कार्यालय की शुरुआत की। इस दौरान उनको चुनाव निशानी अंगूठी मिलने के बाद कई मुद्दों पर जनता की समस्या सुलझाने का वादा करते हुए अपना चुनावी एजेंडा बताया। पेश है हमारे दहिसर संवाददाता अकबर शेख की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं दहिसर विधानसभा 153 से ममता शर्मा। मैं निर्दलीय उम्मीदवार हूं और मैंने अपक्ष फॉर्म भरा है और मैं जनता के बीच में ये मुद्दे लेकर आ रही हूं कि दहिसर की जो जनता है, यहां पर सबसे पहला मेरा मुद्दा रोजगार का है। बहुत सारे युवा बेरोजगार हो गए हैं, रोजगार यहां बिल्कुल नहीं है। पिछले कई सालों से, 25 सालों से बेरोजगारी का जो दर है वो हर साल बढ़ते जा रहा है और जो युवा है वो बेरोजगार होने की वजह से वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। यहाँ पे नशाखोरी, चोरी, मर्डर, ऐसी चीजें रोज बढ़ रही हैं दहिसर में। अपराध क्राइम रेट बढ़ रहा है और इसके लिए इसका एक उपाय बेरोजगारी भी है कि मतलब इसका वजह बेरोजगारी भी है। तो इसके लिए मैंने पहला मुद्दा है कि जब मैं चुनकर आऊंगी तो 25,000 युवाओं को मैं 6 महीने के अंदर रोजगार दूंगी। ये मेरा पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा, यहाँ पे मैं जब जनता के बीच जाती हूँ, दादा आप तो जानते हैं, आपके ये INS के न्यूज के माध्यम से मैं ये लोगों को बताना चाहती हूँ, दहिसर की जनता को, कि पिछले कई सालों से, 25-30 सालों से जनता पानी के लिए त्रस्त है। यहाँ पे बड़ी से बड़ी झुग्गी झोपड़ पट्टियों में अभी तक पानी का 30-30 साल की पाइपलाइन है, जो जितने इंच का पाइपलाइन 30 साल पड़ा था, ऐसे कई आपको मैं एरिया बताऊंगी, एक्सर से लेकर शांति नगर तक 30 साल से पाइपलाइन ही नहीं चेंज हुआ है और छोटी पाइपलाइन है। जनता बढ़ रही है और आपको पता है कि बस्तियां बढ़ रही हैं, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, लेकिन पानी की पाइपलाइन 30-30 साल से नहीं चेंज हुई है और पानी का बहुत बड़ा समस्या यहाँ पे है और ना कोई आमदार, नगर सेवक, यहाँ कोई प्रशासन ध्यान नहीं देता है। दादा इस बार कैसा है आप जानते हैं कि BMC 25 साल से शिवसेना राज कर रही है BMC पे, तो शिवसेना ने भी आमदार 5 साल यहाँ रह चुके हैं, उन्होंने भी कोई काम नहीं किया और BJP 10 साल से जो पिछले रहे उन्होंने भी नहीं काम किया है। और मेरा दूसरा मुद्दा जो पानी का है मैं ये करूंगी। और तीसरा मेरा मुद्दा है जो महिलाओं के लिए है, महिलाओं को रोजगार दिलाना। जैसे कि अभी मैं, इसके पहले मैं NCP में थी और अजीत दादा और अदिति ताई तटकरे जी जो बाल विकास महिला मंत्री हैं, उन्होंने एक लाड़की बहन योजना लाया था। तो मेरे ऑफिस से ही करीब 2,500 से 3,000 महिलाओं का मैंने फॉर्म भर के उनको पैसे दिलवाए, जो 1,500-1,500 उनके खाते में आए, तो बड़ी खुशी से आके मुझे धन्यवाद करती थी और मुझे कहती थी कि ममता जी आपने बहुत अच्छा काम किया है और आपने हमें प्रशासन ने ये तो निकाल दिया गवर्नमेंट ने कि ये योजना है, लेकिन वो योजना हम तक पहुंचाने में, हमको पैसे दिलाने में, हमारा फॉर्म भरने में, उसको रिकवरी तक आपने जो मुझे मदद की है, इसके लिए हम आपको ही वोट देंगे। तो उन जनता का विश्वास, उन महिलाओं के विश्वास, उन युवाओं के विश्वास की वजह से आज मुझे इंडिपेंडेंट खड़ा रहना पड़ा। तो मैं उन महिलाओं को, तीसरा मुद्दा है कि मेरी महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा वो किसी पे डिपेंड ना रहे, उनके लिए कमाने का अवसर मिल सके, ऐसी बहुत सारी योजनाएं और ऐसे स्लम जगह पे उद्योग धंधे में लाकर महिलाओं को दूंगी कि वो खुद एक सशक्ति, महिला सशक्तिकरण कर सके, हो सके, ऐसे मेरी मुद्दे हैं। और पर्यावरण, जो गाड़ी जो बीच में खड़ी रहती है, पार्किंग जोन यहाँ दहिसर में नहीं है, गार्डन दहिसर में नहीं है और फेरी वाले जो रास्ते पे रहते हैं उनके लिए कोई जोन नहीं है, वो बेचारे गरीब हैं, उनको रास्तों से हटा दिया जाता है, कभी ये पैसे ले रहे हैं वो, तो उनको एक ऐसी जगह देनी चाहिए जहाँ पे वो अपना धंधा बिजनेस कर सके और वहाँ पे जनता, दहिसर की जनता आके प्रॉपर सारी चीजें खरीद सके और वो रोड पर ना बैठे, उनको पुलिस का और BMC का अत्याचार ना सहना पड़े। तो एक जगह उनको मिलनी चाहिए जहाँ वो अपना उद्योग धंधा, अपना पालन पोषण कर सके, तो वो फेरी वालों के साथ न्याय हो सके, जो फेरी वालों के साथ जो कंटिन्यू उनपे अन्याय हो रहा है उनके लिए मेरी लड़ाई है और उनको न्याय मिल सके, इसके लिए मैं उनके लिए भी पहला, चौथा मुद्दा है जो मैं काम करूंगी। तो ऐसे कई सारे मैनिफेस्टो में मेरे मुद्दे हैं जिनका मैंने एफिडेविट बनाया है और उस एफिडेविट में मैंने लिखा है 6 महीने के अंदर में ये सारे जो मेरे मुद्दे हैं इन पर मैं काम करूंगी। और दूसरे नेताओं की तरह मैं सिर्फ वादा नहीं कर रही हूँ, मैं ये काम करूंगी, वो मेरी प्रतिज्ञा पत्र है कि 6 महीने के अंदर में वो सब काम करूंगी।
मैडम आपका मुकाबला कई बड़े दिग्गज लोगों के साथ में है, तो ऐसे में क्या लगता है कि इस बार दहिसर विधानसभा में आपके लिए चुनौती रहेगी? सर आप कोई भी फिल्म उठा के देख लीजिए, विलन को तो मजबूत ही दिखाया जाता है। आपने शोले देखा होगा, गब्बर आ गया, तो मैं किसी गब्बर से नहीं डरती हूँ और मुझे पता है कि मैं हीरो हूँ और मेरी नीयत अच्छी है, और अगर मेरी नीयत अच्छी है तो मेरे साथ पूरा यूनिवर्स है, पूरी कायनात है, और आप जैसे सभी मेरी जनता जनार्दन है, और जनता ही जनार्दन होती है। जनता जब मुझे चुन के देगी तो मैं जीत कर आऊंगी, और जनता ने जिसे चाह लिया उसके सामने कोई गब्बर नहीं टिकेगा, कोई दिग्गज नहीं टिकेगा। आप कह रहे हैं सामने कोई गब्बर है या दिग्गज है, ऐसा कोई नहीं है, जनता जनार्दन है, और जनता जनार्दन मुझे जब चुन कर लाएगी तो भगवान के सामने सर झुका देंगे सब।